सालों पहले एक बंदे ने एक टीवी शो शुरू किया। There better be a reason. बस ऐसे नहीं हो सकता। उसने भर भर के माँ बहन की गालियां दी। बस ऐसे हम तेरी माँ देंगे। माँ भग जाए उसके बॉयफ्रेंड से बोल ठीक है। हमारा यूथ उसमें जाता था, ऑडिशन देता था, माँ बहन की गालियां बड़े प्यार से सुनता था और घर आके फिर बड़े कर्व से सीना चौड़ा करके कहता था कि मैं मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं। कूल। कुछ टाइम बाद उस बंदे, उस लेजेंड ने ओपनली, पब्लिकली सबको बताया ये ट्रिक। When basically you have the same philosophy with your videos, गालियां दो लाखों चूंगे, बोस के, I just gave you 50 more views. और कुछ लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया। मे बी कैरी मिनाटी एंड असिस्टेंट चलानी वे आर वन ऑफ दोज। तो इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, उनमें गालियां दी भर भर के एंड दे बिकेम हिट। अभी अभी कैरी मिनाटी ने 10 मिलियन से सीधा 18 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया जस्ट बाय वन सिंगल वीडियो। और उस वीडियो में इतनी बढ़िया बढ़िया धार्मिक बातें बोली गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉर बिटवीन यूट्यूब एंड टिकटॉक। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिकटॉक क्रिंज है, टिकटॉक इज टेकिंग आवर सोसाइटी इन टू रॉन्ग डायरेक्शन, TikTok is influencing our youth badly. Let us see. If this is cringe, what about this? तुम हिम्मत वाले के साथ साथ बड़ी वाले बन सकते हो। जी हाँ, तुम भी सब बन सकते हैं बड़ी वाले। If this is influencing badly our society, what about this? एक बार को उंगल देता हुआ पकड़ा जाता, वो चलता है। अबे साले, तो कभी-कभी लोग देख नहीं पाते। Some people are surprised कि इस बंदे ने मात्र 15 दिनों में इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर्स को सरपास कर दिया। But I was not surprised, क्योंकि ट्रिक इतना बड़ा है ना यार, मतलब हर वीडियो में गालियां दो भर भर के एंड यू विल कीप ग्रोइंग। आशीष चंचलानी को इसने इसलिए क्रॉस किया क्योंकि आशीष चंचलानी भाई की 3 वीडियोज में जितनी गालियां होती हैं मिला के उतनी भाई की एक वीडियो में होती है कैरी मिनाटी के। तो ठीक है, नॉट ए बिग डील। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन सम पीपल केम इन सपोर्ट ऑफ हिम। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन दिस सुपर हीरो, जिसको हम बचपन में सुपर हीरो मानते थे, अपना अपना सब कुछ मानते थे, वो बंदा इसकी सपोर्ट में आया। मैं कैरी मिनाटी का सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी वीडियोज डिलीट कर दी गई है जो गलत है मेरे हिसाब से। यस शक्तिमान, ठहरो। तुमने अपने दादाजी के पांव छुए? नहीं। बड़ों के आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत किया करो। सॉरी शक्तिमान। जी तेरा। आई डोंट नो वेदर ही हैज वॉच्ड हिज वीडियो और नॉट, बट हाउ कम ही सपोर्ट सच अब्यूजिव थिंग्स। उसने बचपन में हमें सिखाया कि भाई ऐसे रहो, ये मत करो, ऐसे संस्कारी बनो, बड़ों की हेल्प करो, ये मत करो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज वेन ही पास्ट संदीप माहेश्वरी। जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 10 सेकंड के अंदर, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेवेलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही, लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं, हजार बार गिरेगा, हजार बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा। कैन यू बिलीव इट। मतलब यार, संदीप माहेश्वरी को देखने वाले लोग कम है, ये गाली गलौज फालतू की बकवास देखने वाले लोग ज्यादा हैं। दिस इज व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी। खैर, इट्स टाइम फॉर अस टू थिंक वेयर वी आर गोइंग। सीरियसली।